बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द न्यू टॉपिक पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। अच्छा, पॉइंटर्स क्या होता है? इस टॉपिक में, पॉइंटर के इस टॉपिक में हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि पॉइंटर क्या होता है और हम सी प्लस प्लस में पॉइंटर को किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, अच्छा, पॉइंटर्स आर द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ सी और सी प्लस प्लस। ये सी और सी प्लस प्लस का बहुत बहुत पावरफुल फीचर है। ठीक है, दीज आर यूज टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट डेटा स्ट्रक्चर। पॉइंटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, जब पॉइंटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं सी और सी प्लस प्लस के अंदर, क्योंकि हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर को पॉइंटर्स के जरिए मैनिपुलेट करते हैं। कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लिंक लिस्ट को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कीज हैं, उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्टेक्स हैं, स्टेक्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रीज हो गए, ठीक है, इनको हम पॉइंटर के जरिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सारे आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, लिंक लिस्ट आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है, स्टेक आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्री आपके साथ डेटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके बाद द वर्चुअल फंक्शन, आगे हम पढ़ेंगे वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। ठीक है, कि सी प्लस प्लस में वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं। वर्चुअल फंक्शन के लिए भी पॉइंटर्स बहुत ज़रूरी है, और आप वर्चुअल फंक्शन जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दीज आर यूज्ड इन एडवांस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। पॉइंटर्स आपके साथ एडवांस जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है वहाँ पे भी यूज होते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर्स को जब आप समझना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आपको नॉलेज हो अबाउट द मेमोरी लोकेशन। टू नो अबाउट द पॉइंटर्स यू शुड नो अबाउट द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, और मेमोरी एड्रेसेस, मेमोरी एड्रेस क्या होता है और मेमोरी लोकेशन क्या होता है। ठीक है, अगर आपको मेमोरी लोकेशन और मेमोरी एड्रेस का पता ना हो तो आपको मुश्किल होगा पॉइंटर को समझना। एंड द स्टोरेज वेरिएबल्स इन द मेमोरी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। एक आपको मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड होता है, मेमोरी एड्रेस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको स्टोरेज ऑफ वेरिएबल्स इन मेमोरी इज रिक्वायर्ड, कितनी स्टोरेज इसको रिक्वायर है एक वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अभी हम समझने की कोशिश करते हैं मेमोरी एड्रेसेस को, ठीक है, और वेरिएबल्स को। मेमोरी एड्रेसेस क्या होते हैं और इसके लिए कौन कौन सी वेरिएबल यूज होते हैं। ठीक है, पॉइंटर, यानी हम पॉइंटर वेरिएबल्स को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ये आप देख लीजिए, कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लोकेशन। कंप्यूटर की मेमोरी आपके साथ वेरियस लोकेशन में डिवाइड हो गई है। ठीक है, ईच लोकेशन कंसिस्ट ऑफ वन बाइट, हर एक लोकेशन जो है वो एक बाइट पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, ईच बाइट हैज अ यूनिक एड्रेस, और हर एक बाइट का फिर एक यूनिक एड्रेस होगा। अच्छा, और हर एक पॉइंटर का आपके पास, और हर एक मेमोरी एड्रेस का, ईच बाइट हैज अ यूनिक एड्रेस। ठीक है, हर एक बाइट का एक यूनिक एड्रेस होगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, व्हेन ए प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इट इज लोडेड इनटू N2, यानी मेन मेमोरी, मेमोरी में लोड होता है हार्ड डिस्क से। ठीक है, जब आपके पास एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो हार्ड डिस्क से लोड हो रहा है मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, इट ऑक्यूपाइज सर्टेन रेंज ऑफ दीज मेमोरी लोकेशन, ये जो मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसको ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, सिमिलरली ईच वेरिएबल डिफाइंड इन द प्रोग्राम, इस तरह जो भी वेरिएबल आपके साथ प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किया गया है वो भी कुछ मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, प्रोग्राम, एक प्रोग्राम भी मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, और इसके साथ प्रोग्राम के अंदर जितनी भी वेरिएबल्स हैं तो सारे के सारे वेरिएबल्स आपके पास मेमोरी के अंदर जगह को रिजर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एन टाइप वेरिएबल ऑक्यूपाइज 2 bytes। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर जब हम एक एन टाइप वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो क्या करता है, वो 2 bytes का की जगह ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और आपके पास जब फ्लोट होता है, आपके पास जो फ्लोट होता है वो आपके पास 4 bytes जगह रिजर्व करता है। ठीक है, इसके बाद, अच्छा, व्हेन अ वेरिएबल इज क्रिएटेड इन द मेमोरी, जब एक वेरिएबल आपके साथ मेमोरी के अंदर क्रिएट हो जाता है, 3 properties आर एसोसिएटेड, इनके साथ 3 properties एसोसिएटेड होते हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, उस वेरिएबल का
टाइप हो सकता है, इस वेरिएबल का टाइप हो सकता है आपके साथ, ठीक है। ये देखिए आप, ये एक आपके साथ एक वेरिएबल है, ठीक है, के साथ ये एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल का ये आप देख ले इंटीजर इसका टाइप है। इंटीजर इसका क्या है? इंटीजर इसका टाइप है और एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो ये हो सकता है, और वेरिएबल का नाम हो सकता है, मैंने आपको बताया कि ये आपके साथ डेटा टाइप है, वेरिएबल का टाइप है, और सेकंड इसके वेरिएबल का नाम है, ठीक है। और थर्ड क्या हो सकता है? मेमोरी एड्रेस असाइन टू द वेरिएबल, ठीक है। तो हर एक वेरिएबल को, हर एक वेरिएबल का, जितनी भी वेरिएबल्स आप डिफाइन करते हैं, तो हर एक वेरिएबल का एक मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एन इंटीजर टाइप वेरिएबल, आपके पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसका टाइप इंटीजर है, एक्स वाई जेड, एज डिक्लेयर्ड एज शॉन बिलो, ये आपके पास एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, और इसके अंदर जो कॉन्टेंट्स है, डेटा स्टोर है या वैल्यू स्टोर है, वो 6760 है। हेयर ये एंड क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइप रिप्रेजेंट करता है, एंड आपके पास टाइप को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स वाई जेड जो है ये एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, जब आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, अ मेमोरी लोकेशन इज असाइंड टू इट, तो उसको मेमोरी लोकेशन असाइन किया जाता है। ये वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, तो इस वेरिएबल को एक लोकेशन असाइन किया जाता है मेमोरी के अंदर, यानी एक जगह असाइन किया जाता है, ठीक है। सपोज द मेमोरी एड्रेस असाइन टू द अबाउ वेरिएबल, ये जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है ऊपर, लेट सपोज हम कहते हैं, हम सपोजिशन करते हैं कि इसको जो जो एड्रेस असाइन है, यानी मेमोरी एड्रेस असाइन है, वो 1011 है, यानी इस वेरिएबल को मेमोरी के अंदर जो एड्रेस, जो लोकेशन असाइन है, तो वो 1011 है, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर है। अच्छा, द एट्रीब्यूट और द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वेरिएबल्स आर शोन बिलो, ये देखिए आप, ये इसका टाइप को शो करता है, एक वेरिएबल है, इसका नाम आपके पास एक्स वाई जेड है, और इसके अंदर जो कॉन्टेंट्स है वो ये है 6760। ये क्या है? ये बॉक्स क्या शो करता है? ये बॉक्स शो करता है मेमोरी लोकेशन को, मेमोरी एड्रेस को, वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है या वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन है, और ये ब्रैकेट के अंदर जो 1011 बंद है, ये शो करता है इस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को। ये क्या शो करता है? इस मेमोरी लोकेशन एक्स वाई जेड मेमोरी लोकेशन को के एड्रेस को शो करता है, ठीक है। अच्छा, द बॉक्स, मैंने आपको बताया कि बॉक्स क्या इंडिकेट करता है, ये ऊपर जो बॉक्स था, ये वाला जो कंटेनर था, द बॉक्स इंडिकेट द स्टोरेज लोकेशन इन द मेमोरी फॉर वेरिएबल एक्स वाई जेड, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज एक्सेस्ड बाय रेफरेंसिंग इट नेम। अगर आप इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, जो डेटा है, जो कंटेंट है, उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उसको शो करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना होगा? आपने इस वेरिएबल को यूज करके इसको एक्सेस करना होगा, ठीक है, by referencing its name, यानी वेरिएबल का नाम, ठीक है। thus to print the contents of variable xyz on the computer screen statement is given is, normally हम जब इस contents के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है, जब उनको हम एक्सेस करना चाहते हैं, उनको हम प्रिंट करना चाहते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो हम क्या यूज करते हैं? उस वेरिएबल का नाम यूज करते हैं, उस वेरिएबल का नाम यूज करते हैं, और उस वेरिएबल का नाम यूज करके हम इसके डेटा को, इस वेरिएबल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद the memory address where the contents of a specific variable are stored can also be accessed, yani ye dekhe, ye keh raha hai ki wo memory location jahan pe aapke contents store hai, dekho na, ye location hai, ye address hai, ye location hai, memory location hai, aap iske address ko bhi access kar sakte hain, yahan pe keh raha hai ki aap variable ke address ko या मेमोरी लोकेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं? कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? द एड्रेस ऑपरेटर, एम्परसेंट साइन, इसको कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर, इज यूज्ड विद द वेरिएबल नेम टू एक्सेस इट्स मेमोरी एड्रेस। अगर आप लोग ये देखिए, आप ये आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर डेटा है,
ठीक है, कॉन्टेंट मीन वेरिएबल है, और अगर आप इस वेरिएबल का अगर आप मेमोरी एड्रेस या लोकेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग यूजिंग कौन सा ऑपरेटर, द एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर कौन सा होता है, ये आपके पास इंपर्सन साइन जो है ये इसको कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर। तो आपने वेरिएबल से पहले एड्रेस ऑपरेटर को लगाना होता है, यानी अगर आप यहाँ पे ये लगा दें इंपर्सन साइन एड्रेस ऑपरेटर, इसका मतलब यह है कि आप इस वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट कर रहे हैं। आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, इस वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, द एड्रेस ऑपरेटर इज यूज्ड बिफोर वेरिएबल नेम। ये एड्रेस ऑपरेटर आपने कहाँ पे यूज करना होगा, बिफोर वेरिएबल नेम। ठीक है, यानी ये आपके पास वेरिएबल नेम है और यहाँ पे आपने इससे पहले वेरिएबल नेम से पहले आपने एड्रेस ऑपरेटर को लगाना होगा। ठीक है, द मेमोरी एड्रेस इज प्रिंटेड इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। जो मेमोरी एड्रेसेस आपके पास प्रिंट होंगे या आपके साथ जो लोकेशन का जो मेमोरी लोकेशन है उसका जो एड्रेस है वो आपके साथ किस फॉर्म में प्रिंट होगा, वो आपके साथ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट होगा। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन ये है कि इस एड्रेस को, ये जो यहाँ से जो एड्रेस रिटर्न होता है ये हम कहाँ पे स्टोर करेंगे। अगर मैंने लेट सपोज इसको स्टोर करना है और फ्यूचर में मैंने इसको यूज़ करना है, ठीक है, इस एड्रेस के बेस में मैंने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, इस वेरिएबल के ऊपर नहीं, इस एड्रेस के ऊपर मैंने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो लाजमी बात है फिर मैंने इस एड्रेस को, यहाँ से जो एड्रेस रिटर्न होता है इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो जो रिटर्न होता है उनको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होता है। तो वो कौन सा वेरिएबल है जिसके अंदर हम इस एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, उस वेरिएबल का नाम है पॉइंटर वेरिएबल्स और पॉइंटर। सिंपली इसको आप पॉइंटर भी कह सकते हैं और पॉइंटर वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। द पॉइंटर वेरिएबल द वेरिएबल्स, ये देखो द वेरिएबल्स दैट इज यूज्ड टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस, जो कि मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है ऑफ अनदर वेरिएबल। ये देखिए अगर आपके पास एक वेरिएबल है और एक वो एक दूसरी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है तो इस टाइप के वेरिएबल को हम पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं और सिंपल उसको पॉइंटर कहते हैं। ये आप देख लें, ये आपके पास एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का अगर आप यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको रिटर्न करता है, ये आपको क्या रिटर्न करता है, ये आपको इस वेरिएबल का एक्स वाई जेड वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। अगर आपने इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो कहीं पे स्टोर करना है तो वो आपने पॉइंटर वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करना होगा। अच्छा अभी क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंटर वेरिएबल का जो एड्रेस आपके साथ रिटर्न होता है ये आपने किस टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होता है, इंटीजर के अंदर स्टोर करना होता है, डबल के अंदर स्टोर करना होता है, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करना होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। द टाइप ऑफ द वेरिएबल हुज एड्रेस अ पॉइंटर इज टू होल्ड, ठीक है, हुज एड्रेस अ पॉइंटर इज टू होल्ड एंड द पॉइंटर वेरिएबल मस्ट बी द सेम। यानी इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल का आप एड्रेस मालूम करते हैं, पहले आपने इसका टाइप करना होता है कि इसका टाइप क्या है। इसका टाइप हमारे पास आप देख ले, इसका टाइप हमारे पास ऊपर था ये इंटीजर था, ये क्या था, ये इंटीजर था, आप लोग देख सकते हैं। इस वेरिएबल का टाइप आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड का टाइप आपके पास इंटीजर था, तो इसका जो रिजल्ट यानी इसका जो रेफरेंस रिटर्न हो रहा है या एड्रेस रिटर्न हो रहा है मेमोरी एड्रेस, उसको आपने एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, लेकिन उस वेरिएबल का टाइप क्या होना चाहिए, टाइप उसका इंटीजर होना चाहिए क्योंकि इसका टाइप इंटीजर है और इस पॉइंटर को कहते हैं और इस वेरिएबल को कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल या एड्रेस वेरिएबल। ठीक है, या आप इसको सिंपली पॉइंटर भी कह सकते हैं। अ पॉइंटर वेरिएबल इज डिक्लेयर बाय प्लेसिंग स्टैटिक आफ्टर द डेटा टाइप और बिफोर द वेरिएबल नेम एंड द डेटा टाइप स्टेटमेंट। अच्छा अभी नॉर्मल वेरिएबल और एड्रेस वेरिएबल या पॉइंटर वेरिएबल में फ़र्क क्या है, पॉइंटर वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल में फ़र्क यह है कि जब आप पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे आपने स्टैटिक सिंबल को लगाना होता है। कैसे लगाना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक वेरिएबल है पी, पॉइंटर वेरिएबल है और वो एक इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है, इट इज डिक्लेयर्ड एज, ये आप इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं।
आप या इस तरह करें कि यहाँ पे डेटा टाइप लिख दें और स्टेरिक इसके साथ नज़दीक लगा दें और फिर उस वेरिएबल का नाम यानी पॉइंटर वेरिएबल का नाम, ये तरीके भी ठीक है आपने डिक्लेयर कर दिया। अच्छा अगर आपके पास एक वेरिएबल है और उसका टाइप फ्लोट है और आप इस फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपने इस तरह करना होगा, ठीक है फ्लोट डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पे द अबाउट स्टेटमेंट इंडिकेट दैट बोथ पी एंड आर ई पी वेरिएबल्स आर पॉइंटर वेरिएबल्स, ये दोनों आपके पास पॉइंटर वेरिएबल्स हैं एंड दे कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ इंटीजर इन फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल रिस्पेक्टिवली। यानी ये क्या करेगा, ये पॉइंटर वेरिएबल है इसका टाइप इंटीजर है तो ये इंटीजर टाइप के डेटा डेटा वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। ये आपके आपके पास दूसरा वेरिएबल है इसका टाइप जो है वो फ्लोट है, ये क्या करेगा, ये आपके पास फ्लोट टाइप की वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, ऑल्दो द एस्टेरिक्स इज रिटन आफ्टर द टाइप इट इज यूजुअली मोर कन्वीनियंट टू प्लेस द एस्टेरिक बिफोर द पॉइंटर वेरिएबल। यानी आप इस तरह भी कर सकते, आप इधर इस जगह पे पॉइंटर ये स्टेरिक को प्लेस ना करें बल्कि वेरिएबल के नेम से पहले आप इसको प्लेस लगा दें और यहाँ पे देखो आप स्पेस पे एक स्पेस है, ठीक है आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अच्छा प्रैक्टिकली हम देखते हैं, ठीक है कि प्रैक्टिकली हम इस वेरिएबल का ये देखें, आपके पास एक वेरिएबल है और अगर आप वेरिएबल के कॉन्टेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं, अगर आप इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस तरह करते हैं, आप सिंपली इस तरह करते हैं, ठीक है सी आउट एक्स वाई और जेड, ठीक है एक्स वाई और जेड आप सिंपली इस तरह कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा ये इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है वो उसको प्रिंट करेगा, ठीक है ये आप देख लें, इस सी आउट ने क्या कर दिया, इस स्टेटमेंट ने क्या कर दिया, इसके इस वेरिएबल एक्स वाई जेड वेरिएबल के अंदर डेटा जो डेटा स्टोर है उसको रिटर्न कर दिया 67 और 60। अच्छा मैं अगर चाहता हूँ कि इस वेरिएबल का एक्स वाई जेड वेरिएबल का मुझे एड्रेस रिटर्न कर दे, मेमोरी लोकेशन रिटर्न कर दे, तो आप इस तरह लिख सकते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं कि आप इस वेरिएबल से पहले ये एड्रेस ऑपरेटर लगा दें, इसको इंपरसेंट साइन कहते हैं, ठीक है और आप एक्स वाई जेड कर दें, तो ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट ये करेगा कि इस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करेगा। कैसे रिटर्न करेगा, मैं इसको रन करता हूं, ये आप देख ले इसने आपके इस स्टेटमेंट ने इस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर दिया, ये आप देख ले ये इस वेरिएबल का एक्स वाई जेड वेरिएबल का क्या है एड्रेस है, ठीक है ये एक्स वाई जेड वेरिएबल का एड्रेस है, ठीक है। अच्छा अगर आप अभी इस वेरिएबल को, मैंने आपको कहा था कि लेट सपोज मैं इस वेरिएबल का जो एड्रेस है एक्स वाई वेरिएबल का जो एड्रेस है इसको मैं अनदर वेरिएबल के अंदर यूज अनदर एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस पे फ्यूचर में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना होगा, मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा और उस वेरिएबल से पहले यहाँ पे स्टेरिस को लगाना होगा और इस वेरिएबल का नाम होगा पॉइंटर वेरिएबल या पॉइंटर, इसको सिंपली पॉइंटर भी कह सकते हैं और पॉइंटर वेरिएबल भी कह सकते हैं। इस वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल में क्या फ़र्क है, नॉर्मल वेरिएबल में हम डेटा स्टोर करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल में हम डेटा स्टोर करते हैं लेकिन पॉइंटर वेरिएबल में हमारे पास एक और वेरिएबल का रेफरेंस स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है, मेमोरी एड्रेस या मेमोरी लोकेशन स्टोर होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, एक्स वाई जेड के एड्रेस को क्या करेगा, एक्सेस करेगा और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। अभी अगर आप इस वेरिएबल को प्रिंट कर दें, अभी अगर आप इस वेरिएबल को प्रिंट कर दें तो क्या होगा, आपके पास ये इसका रेफरेंस प्रिंट होगा यानी एक्स वाई जेड का एड्रेस प्रिंट होगा। सॉरी इसने तो वो रिटर्न कर दिया, अच्छा अच्छा फिर आपने ये करना होगा, सॉरी अगर आपने इसका इसका एड्रेस प्रिंट करना होगा तो फिर आपने इस यहाँ पे सिर्फ आर ई एफ यानी इसके साथ स्टेरिक नहीं लगाना होगा। अगर आप सिंपल इसके रेफरेंस को प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर आपने इस यहाँ पे सी आउट में इसके साथ स्टेरिक सिंबल को नहीं लगाना होगा, ठीक है ये आप देख लें, ये आप देख लें यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया। अच्छा अगर आप अभी चाहते हैं कि मुझे
मुझे इस रेफरेंस वेरिएबल को या पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके मुझे इसका कंटेंट्स डिस्प्ले कर दी, यानी एक्स वाई जेड वेरिएबल के अंदर जो कंटेंट्स है, जो डेटा है, जो वैल्यू स्टोर है, उसका वो मुझे डिस्प्ले कर दी। तो इसने तो सिंपल आपके पास किया रिटर्न कर दिया, इस वेरिएबल ने सिंपली आपके पास इसका एड्रेस रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर आपने इसके कंटेंट्स को प्रिंट करना है तो फिर आपने, यानी आप कंटेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, वेरिएबल के कंटेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, फिर आपने यहाँ पे स्टारिस को लगाना होगा। अभी ये क्या करेगा, अभी ये वेरिएबल क्या करेगा, इस वेरिएबल के अंदर, इस एक्स वाई वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको एक्सेस करेगा यूजिंग एड्रेस वेरिएबल। यानी एड्रेस वेरिएबल को, एड्रेस को यूज करके हम इस वेरिएबल के एड्रेस को यूज करके हम इसका डेटा शो करते हैं यूजर को। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं इसको रन करता हूँ, ये आप देख लें, पहले इसने इसका, जब इसके साथ हमने स्टैरिक को नहीं लगाया था तो उसने सिर्फ और सिर्फ इस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न किया था, लेकिन जब हमने इसके साथ स्टैरिक भी लगा दिया, इससे पहले हमने स्टैरिक भी लगा दिया, तो इसने अभी ये कर लिया कि इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको रिटर्न कर दिया। अभी अभी क्वेश्चन ये है कि इस रेफरेंस वेरिएबल का, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, आया हम इस रेफरेंस के, इस रेफरेंस वेरिएबल, देखो ये भी कहीं पे तो स्टोर होता है ना, ये वेरिएबल कहीं पे तो स्टोर होता है ना मेमोरी के अंदर, अगर हम अभी इसका रेफरेंस रिटर्न करना चाहते हैं, इस रेफरेंस वेरिएबल का, ठीक है, यानी पॉइंटर वेरिएबल का अगर हम रेफरेंस रिटर्न करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं कि नहीं, यस हम कर सकते हैं। तो हमने क्या करना होगा, हमने ये करना होगा, अच्छा यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ठीक है, इसके जरिए तो मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ये आप देख ले, यहाँ पे आपके पास ये आप देख ले, तो ये देख लिया आपके पास एक वेरिएबल है, और एक वेरिएबल है x, और इसको हमने, इसके अंदर हमने 99 को स्टोर किया है। अभी मैं अगर इस x वेरिएबल का एड्रेस मालूम करना चाहता हूँ तो मैं मालूम कर सकता हूँ इससे पहले कि मैं एड्रेस वेरिएबल, एड्रेस ऑपरेटर लगा दूँ, ठीक है, तो इस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न होगा और उस वो इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसका चूँकि टाइप, इस वेरिएबल का टाइप चूँकि हमारे पास इंटीजर है तो इसलिए हमने इसको भी इंटीजर डिक्लेयर किया है, इस पॉइंटर वेरिएबल को। लेकिन यहाँ पे देख ले, यहाँ पे आप देख ले, अभी मैं कहता हूँ कि इस वेरिएबल का, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इसका मैं एड्रेस रिटर्न करना चाहता हूँ, तो यस मैं कर सकता हूँ। मैंने क्या करना होगा, मैंने ये करना होगा कि इस वेरिएबल से पहले मैंने ये एड्रेस ऑपरेटर लगाना होगा, ठीक है, और अभी क्वेश्चन ये है कि आपका, आपने इसका टाइप क्या सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, इसका टाइप आपने वॉइड रखना होगा, ठीक है, अगर आप इस वेरिएबल का, इस रेफरेंस, इस पॉइंटर वेरिएबल का टाइप एड्रेस रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपने इसको एक वेरिएबल, एक और पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होता है, ठीक है, लेकिन उस वेरिएबल का टाइप आपके पास वॉइड होना चाहिए। जब हम इसको प्रिंट करेंगे, हम इसको रन करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपके पास ये वाला वेरिएबल आपके पास इस एक्स के एड्रेस को रिटर्न करेगा, और पी क्या करेगा, पी आपके पास इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करेगा, ये आप देख सकते हैं, मैं इसको रन करता हूं। ये आप देख ले, ये रिजल्ट इस सीआउट स्टेटमेंट का है, यानी ये जो रेफरेंस है, ये लास्ट में जो 14 आया है, ये FE14, ठीक है, ये इस वेरिएबल का एड्रेस है, ठीक है, यानी एक्स का एड्रेस है, और ये नीचे जो FE08 आया है, ये वाला, ये आपके पास इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है, ठीक है, इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस था। सो स्टूडेंट्स, ये था पॉइंटर के बारे में, ठीक है, कि पॉइंटर क्या होता है और पॉइंटर को हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, और कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने पॉइंटर वेरिएबल को पढ़ लिया, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।